अनिल जी, क्या आप क्या इस विश्लेषण से सहमत हैं, या आपको लगता है कि दरअसल ये घबराहट नहीं थी, ये अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना तो था ही, लेकिन दुष्यंत चौटाला की तरफ से जो दबाव पड़ रहा था, मांगे आ रही थी, उनको वो उसे स्वीकार नहीं थी, क्योंकि 10 की 10 सीटें जीत चुकी थी बीजेपी, 2 सीटें वो क्यों देती जेजेपी? अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी। मुकेश जी, दुष्यंत चौटाला का और बीजेपी का जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज था ना, ये अभी तक था, इसी ये जाना ही जाना था। और ये जो लोकसभा की सीटों का बहाना है, ये तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में दुष्यंत चौटाला को अपने साथ रख के फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको जाटों का वोट बांटे बिना ये चुनाव निकलना मुश्किल है। क्योंकि 370 का जब नारा आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो वो एक एक सीट पे कैलकुलेट किए हुए हैं कि हम कौन सी सीट हारेंगे, कौन सी सीट जीतेंगे, हारेंगे तो क्यों हारेंगे और जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे, इसका निदान करना बहुत जरूरी है। संधू जी ने बहुत बढ़िया कहा कि 5 सीट हार रहे थे। मेरे हिसाब से, जो मेरा आकलन है, जो मैं घूम के आया हूँ पिछले साल पूरे हरियाणा में, 7 सीट साफ हैं बीजेपी से। अब 7 बचेंगी कैसे, सवाल तो ये है ना। तो इस पूरी रणनीति के तहत, चाहे वो बलराज कुंडू हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इस पूरी बेल्ट में, सोनीपत से ऊपर जिसको बागड़ बेल्ट बोलते हैं, सिरसा तक, जब तक जाट बटेगा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नजर आता नहीं, आप समझिए। और भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल मुफीद है। आप देखिए जिस तरह से ये गठबंधन टूटा है, किसी ने किसी दोनों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, और बड़ी तारतम्यता के साथ। और आज किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने किसी टेलीविजन नेटवर्क पे कहा भी है कि अगर कोई दुष्यंत चौटाला कोई एकाधी सीट जीत के भी आ जाते हैं, तो हम चुनाव के बाद उनसे फिर समझौता कर लेंगे। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है बेसिकली। ये लगातार सुविधाओं की राजनीति है कि आप जब तक हमारे साथ सत्ता में भागीदार करके कुछ नंबर हमारे बढ़ा सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं हमारी सत्ता की राजनीति में, तो आप हमारे लिए उपयोगी हैं। अगर आप नकारात्मक परिवर्तन करते हैं तो अत्याज्य हैं। आपकी हमारी कोई ऐसी वो नहीं है, ये कोई रिश्तेदारी नहीं है। और अभी भी आप ये देखिए, पूरे देश में कोई आजादी की जंग नहीं लड़ी जा रही, कोई विचारों की जंग नहीं लड़ी जा रही, कोई प्रतिबद्धता की जंग नहीं लड़ी जा रही। जंग लड़ी जा रही है लगातार निरंतरता से सत्ता में बने रहते हुए लूट और खसोट की जो परंपरा है, उसको निरंतर जारी रखा जाए। उस तो निरंतर जारी रखने में ये अलगाव जो है, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसमें कोई आपसी रंजिश जैसी बात नहीं, आपसी मतभेद जैसे कोई बड़ी समस्या नहीं है इसका गठबंधन में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 13 विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे। पीडब्ल्यूडी था, एक्साइज था, रेवेन्यू था, 13 डिपार्टमेंट डंके की चोट पे दुष्यंत चौटाला ने चलाए हैं, और आने वाले 10 साल का इंतजाम उन्होंने किया हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तो हिसार की मीटिंग में साफ ही कहा कि सीधे जाओ तो 8% और टेढ़े जाओ तो 10%, तो वो तो सबको ही पता था। तो ये आरोप तो हरियाणा में खूब लग ही रहे। और हरियाणा में जो ना मजाक हुआ, हरियाणा की जनता का जो अग्निवीर का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, वो हरियाणा में हुआ। इतनी नौकरियां, 30 नौकरियां निकली, हर नौकरी का पेपर लीक हो जाता है, अदालत चले जाते हैं, नौकरियां मिली नहीं रही, आप समझिए। ये परिवार पहचान पत्र का मुद्दा एक हरियाणा में लगा हुआ है, पानी का मुद्दा दक्षिण हरियाणा का इन्होंने बताया ही अभी संधू साहब ने। हरियाणा की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है, और हरियाणा के लोग बड़े एजिटेटेड हैं। हरियाणा को समझ में नहीं आ रहा, ये बिना पर्ची खर्ची की सरकार बोलते हैं। आप समझिए कि पब्लिकली छपा कि एक विधायक ने 75 लाख रुपए अपने साले के लिए वहां दे दिए नौकरी के लिए, ना नौकरी मिली और ना पैसे वापस मिले। ऐसा भ्रष्टाचार तो हरियाणा में किसी ने देखा ही नहीं। भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन ये कोई नहीं क्लेम करता था कि हम पारदर्शी हैं और हम ईमानदार हैं। कांग्रेसियों ने कभी नहीं कहा कि हम ईमानदार हैं और हम बड़े पारदर्शी हैं। ये बीजेपी कहते हुए आई, और उनके कहने के बाद ये सारा का सारा वहां घपला हुआ, आप समझिए ना। आप कैसे, मतलब आप देखो,
नायब सिंह अपने पे बाद में आते हैं जी। एक सवाल और है मेरा इससे कि क्या अगर ये आपके हिसाब से आपसी सहमति से अलगाव हुआ है तो पार्टी क्यों तोड़ी, एक। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये इफेक्टिव होगा, क्या ये असर करेगा कि दुष्यंत चौटाला अलग हो गए हैं और अब जाट वोट बांटने की पूरी का इंतजाम कर लिया गया है। देखिए, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा पार्लियामेंट में, आप ये समझ लीजिए, लेकिन दूसरी पार्टियों का खाता खुलेगा क्योंकि 11% के करीब शायद वोट मिले थे दुष्यंत चौटाला को पिछली बार, उस 11% वोट का डिवीजन हो जाएगा, कुछ आईएनडी में चला। देखिए आप समझिए, ये भिवानी, हिसार और महेंद्रगढ़ में इनके का इनका वर्चस्व है 27 सीटों पे, 27 विधानसभा सीटें आती हैं, 27 विधानसभा सीटों में इनकी रिश्तेदारियां भी है, इनके गोत्र के लोग भी हैं, ये वही एक्टिव भी रहते हैं, इनका सारा हल्ला गुल्ला उसी पूरे इलाके में रहता है, तो उसी इलाके में इनका संघर्ष होगा और उसी इलाके में ये तीनों सीट फंसी हुई हैं, भिवानी भी, हिसार भी और सिरसा भी। सिरसा में तो शायद सुनीता दुग्गल को टिकट भी नहीं देंगे, बीजेपी के पास सबसे बड़ी मुसीबत है कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है उनको, मतलब 7.5 लाख पिछड़ा वोट है, वहां सरदार भी हैं, पंजाबी भी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करते हैं तो वो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में विवेचना करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीजेपी को लग ही रहा था, अब धर्मवीर की टिकट काटने की बात हो रही थी पहले, इनको यादव को लेके आ रहे थे, लेकिन धर्मवीर के अलावा कैंडिडेट ही नहीं है भिवानी में उनके पास, आप बताइए ना। राव इंद्रजीत गुड़गांव में ना अकेले 7 से 8 विधानसभा सीट खुद वो जिताते हैं, उनकी टिकट अगर उनकी लड़की को टिकट नहीं दी तो या तो उनको राज्यसभा में लाएंगे। फिरोजपुर, झिरका और नू अब में मामला गड़बड़ है, हालांकि तब नौकरियां फोकरियां देने की बात कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा में बीजेपी में फंसी हुई है, माइनस अंबाला छोड़ दो या कुरुक्षेत्र, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री हो गए हैं तो कुरुक्षेत्र की सीट है, या करनाल है, करनाल भी इतनी ईजी नहीं है, आप समझिए। सोनीपत में तो आज वीडियो ही एक वायरल हो गया वो महामहिम सांसद साहब का, तो वो सारा का सारा रायता हो गया हरियाणा के अंदर, हरियाणा की राजनीति गड़बड़ हो गई और इनको ये नहीं समझ में आया कि क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा चलो मुख्यमंत्री बदल देते हैं। अभी मुझे हमारे मेहमान बता रहे थे कि बंसीलाल से लोग पूछते थे कि बाबूजी आपसे लोग नाराज हैं तो आप जा, 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 आप नाराजगी में कैसे लोग वोट देंगे, तो बंसीलाल हंस के कहते थे जो मुख्यमंत्री रहता है उससे लोग नाराजी रहते हैं, जो नया मुख्यमंत्री आएगा उससे नाराजगी कम हो जाएगी। तो ये कुछ नाराजगी कम करने का काम किया है बीजेपी ने, इसके अलावा कोई धरातल पे वहां हरियाणा में कोई परिवर्तन होने जा रहा है ये मुझे नजर नहीं आ रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।